सो हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फुडेग में। दोस्तों, अगर आप लोग के पास रियलमी 2 प्रो है तो आप लोग जो कि एक नया अपडेट रिसीव होगा। ओके एंड दोस्तों, इस वाले अपडेट में आप लोगों को कुछ एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेच लेवल एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि न्यू वर्जन देखने को मिलने वाला है। या फिर दोस्तों, अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है, या फिर दोस्तों मुझे ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई मेरे रियलमी 2 प्रो में बहुत दिनों से जो कि अपडेट रिसीव नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप लोग जो कि इसको डायरेक्ट से एक बार अपडेट कर सकते हैं मैनुअली। इस वीडियो में डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैनुअली अपडेट कैसे करना होता है। दोस्तों मैनुअली अपडेट का लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से सबसे पहले जो कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप लोग सिंपल सा ओटीए के लिए भी वेट कर सकते हैं, आपके फोन में ओटीए दिया जाएगा। फिर दोस्तों अगर आप लोग अभी चाहते हैं अपडेट करना तो बिल्कुल से मैनुअली कर सकते हैं। ये जो कि लगभग 3 GB का एक फाइल है। ओके तो यहां पर मैं आप लोग को बोलूंगा कि यार अपना डेटा बर्बाद मत कीजिए। अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं फॉर ओटीए तो वेट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जो कि आप लोग को मिल जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अभी के अभी, तो आप लोग मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो की वजह से लाइक कर देना, या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से प्रेस कर देना। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये है जो कि Realme 2, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कुछ करना है, आप लोग जो कि इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड जो पैकेज है लगभग जो कि 3 GB ऐसा कुछ आप लोग को लग जाएगा, तो उसको दोस्तों आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने वाला, तो ये देखिए इसका जो अभी फिलहाल वर्जन है 11_C.22 वाला वर्जन है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज की यार बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 जुलाई आप लोग को देखने को अभी फिलहाल मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, वाला जो फाइल को आप लोग सर्च कर लेना है फाइल मैनेजर पर जाने के बाद, ठीक है, डाउनलोड पैकेज को। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो कि इसको मैं डाउनलोड करके रखा हूँ ऑलरेडी। एंड दोस्तों यहाँ पे ये देखिए जो कि RMX जो उसका फाइल है, जो कि टोटल ऐसा लगभग 3 GB है। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कॉपी एक बार से कर लेना है। एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप लोगों को बैक करके जाना है। यहाँ पे जो रूट फाइल आप लोग को मिलता है ऑल फाइल्स के अंदर, यहाँ पे जो कि आप लोगों को पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग उसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे वाले फाइल को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ही जो कि नीचे आ जाएगा जो आपका फोन का रूट फाइल है उसके अंदर ही जो OGIF फाइल है। एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ करना है, जो कि आपको फोन का अभी फिलहाल जो कि ऑफ कर देना है। ओके आप लोग अपना फोन को एक बार से पावर ऑफ आप लोग कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो कि फोन को हम लोग अभी ऑफ कर देते हैं, देन दोस्तों मैं आप लोग यहाँ पे बता दूँ क्या कुछ करना होता है। एंड यहाँ पे ये देखिए जो आप लोग को मिलता है पावर वाला बटन, वॉल्यूम डाउन वाला बटन, ठीक है, दोनों को एक साथ दबाकर आप लोग रखिए 3-5 सेकंड के लिए। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक बूट एनिमेशन आएगा, एंड इसको आप लोग जो कि छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो इंग्लिश पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे ऊपर में एक और ऑप्शन आएगा इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, तो इसको आप लोग सिंपल सा फर्स्ट वाला सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग लॉक स्क्रीन लगाइए, एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम फोन स्टोरेज। एंड यहाँ पे जो कि आप लोगों को दिखाई देगा OGIF फाइल, तो यहाँ पे जो कि आप लोग इसको एक बार से सिलेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कुछ करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपका फोन जो किया अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ टाइम वेट कर लीजिए। एंड सो यहाँ पे कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा, तो आप लोग अपने फोन को एक बार से रिबूट कर लीजिए। देखिए रिबूट वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए। देन सो यहाँ पे जो कि आपका फोन एक बार से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो कि आपका फोन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए एक जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो ये देखिए सिक्योरिटी जो पेज लेवल है इसका 5 सितंबर का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है अभी फिलहाल। एंड इसके अगर हम लोग वर्जन की बात करें, तो वर्जन में भी आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा, जो कि 11_C.24 जो कि पहले था शायद से 22 वाला एक वर्जन। दोस्तों यहाँ पे जो कि फिलहाल कुछ यही सब चेंज आप लोग को देखने को मिलता है रियलमी 2 प्रो में। तो कुछ स्टेप्स जो कि आप लोग कर सकते हैं मैनुअली अपडेट, अगर आपके फोन में अभी एक अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक बार से प्रेस कर देना। बाय बाय।